अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता में अमित शाह के रैली को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। उनके लिए भाषण के बने मंच को भी तोड़ने की चेतावनी मिली है। वहीं अमित शाह के रैली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर बैनर भी हटा दिए गए हैं। दोस्तों, आप 2019 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनावी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के रैली से पहले ही उनके सभा स्थल पर पुलिस के पहुंचने से बवाल शुरू हो गया है। कोलकाता पुलिस ने अमित शाह के रैली के लिए बने स्टेज से जुड़े परमिशन मांगे हैं और परमिशन वाले पेपर न देने पर मंच को तोड़ने को कहा है। इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बढ़ते विवाद के बीच ही भाजपा कार्यकर्ता रैली स्थल पर जमे ही थे कि इधर सड़कों पर से पीएम मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के कई होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। वहीं भाजपा नेताओं के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग हटाने को लेकर कोलकाता पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर ये पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। आयोग के अधिकारियों के अनुसार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद ही टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच भारी बवाल शुरू हो गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। भाजपा का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक 6 चरण में मतदान हुआ है और लगभग सभी चरणों में जमकर हिंसा और बवाल हुआ है। वहीं अभी भी बंगाल में चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान चरम पर है। दरअसल आपको बता दें कि आज बंगाल में अमित शाह के उत्तरी कोलकाता के धर्मतल्ला में रोड शो और जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर अमित शाह ने खुद ट्वीट कर बताया था कि आज उत्तरी कोलकाता के धर्मतल्ला में उनका रोड शो है, जहां उनके रोड शो के पहले ही भारी बवाल मच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ रैलियां रद्द करनी पड़ी थी।